चिंकी की न्यू हिल्स। गट्टू चिंकी ने अपने क्लास के सभी फ्रेंड्स के लिए सोसाइटी के गार्डन में गेट टुगेदर रखा था। सभी बच्चे आए थे और साथ में खेल रहे थे, लेकिन तभी वहां पर चिंकी की फ्रेंड श्रेया आ जाती है। श्रेया जैसे ही आती है, सब बच्चे उसे ही देखने लगते हैं, क्योंकि श्रेया ने हील्स पहन रखी थी। वाह श्रेया, आज तो तुम हम सबसे कितनी ज्यादा लंबी लग रही हो। हाँ गट्टू, वो इसलिए क्योंकि मैंने ये हील्स पहन रखी है। मेरी मम्मी ये मेरे लिए लेकर आई थी। बाकी बच्चों के साथ साथ चिंकी भी श्रेया की हील्स को बहुत ध्यान से देख रही थी। वो श्रेया से कहती है, वाओ श्रेया, ये हील्स तो तुम पर बहुत अच्छी लग रही है। क्या इन हील्स में चलना बहुत इजी होता है? नहीं चिंकी, ये सब बच्चों के बस की बात नहीं है। पर मुझे तो इन हील्स में चलने की आदत है ना, इसीलिए मैं आसानी से इनमें चल पा रही हूँ। ओह अच्छा, ऐसा है क्या? हाँ और क्या चिंकी। अच्छा अब मैं चलती हूँ, मुझे मम्मी के साथ एक पार्टी में जाना है, यही हील्स पहन कर। इतना कहकर श्रेया वहाँ से चली जाती है और चिंकी बस उसे देखती रहती है। उधर जब गट्टू देखता है कि चिंकी अपने में ही खोई हुई थी और श्रेया को जाते हुए ध्यान से देख रही थी, तब वो उसके पास आकर उससे कहता है, अरे चिंकी क्या हुआ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो और क्या देख रही हो? चलो ना हम लोग खेलते हैं। नहीं मुझे नहीं खेलना, मैं घर जा रही हूँ। अरे पर चिंकी रुको तो। चिंकी गट्टू की एक भी बात सुने बिना दौड़ कर घर आ जाती है और जल्दी से मम्मी के रूम में पहुँच जाती है। मम्मी के रूम में एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। चिंकी उसी के सामने खड़ी हो जाती है। अगर मैं हील्स पहनूंगी तो मैं इतनी लंबी हो जाऊंगी। हाँ इतनी लंबी। चिंकी अपने पैर ऊपर करती है और फिर अपने टोज पे चलने की कोशिश करने लगती है, जैसे उसने हील्स पहन रखी हो। तभी मम्मी रूम में आ जाती है और वो चिंकी को ऐसा करते हुए देख लेती है। अरे चिंकी बेटा, ये तुम क्या कर रही हो? मम्मी मम्मी, वो मुझे ना हील्स चाहिए। क्या हील्स? हाँ मम्मी, आज जब श्रेया गार्डन में आई थी उसने बहुत सुंदर हील्स पहन रखी थी और वो उसके ऊपर बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे भी वैसी हील्स चाहिए। अरे पर बेटा, हील्स में चलना इजी नहीं होता, तुम गिर भी सकती हो और अगर तुम गिर गई तो तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं मम्मी, मैं हील्स में चलने की बहुत प्रैक्टिस करूंगी ताकि मैं गिरूं ना, लेकिन प्लीज प्लीज आप मुझे हील्स दिला दीजिए ना। जब मम्मी देखती है कि चिंकी ने जिद पकड़ ली है और वो हील्स लिए बिना नहीं मानेगी, तब वो उससे कहती है, अच्छा चलो ठीक है, हम अभी मार्केट चलते हैं। वैसे भी मुझे मार्केट में थोड़ा काम था, तो हम साथ में तुम्हारे लिए हील्स भी देख लेंगे। क्या सच में? ये थैंक यू मम्मी। मम्मी चिंकी को लेकर एक स्टोर में जाती है जहाँ पर बहुत तरह तरह की सैंडल्स, शूज और हील्स रखी हुई थी। चिंकी अपने लिए हील्स देखने लगती है। वाह मम्मी, यहाँ पर तो हील्स की कितनी सारी वैरायटी है, मुझे ये सब कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ चिंकी बेटा, अच्छा चलो जल्दी से तुम कोई एक हील सिलेक्ट कर लो, तुम उनमें अच्छे से चलना सीख लेना, फिर जब तुम बड़ी होगी तब मैं तुम्हें खूब सारी हील्स दिलाऊंगी। ओके मम्मी, फिर तो मुझे बहुत मजा आएगा। चिंकी दुकान में रखी सारी हील्स को ध्यान से देखने लगती है और तभी उसे एक हील्स बहुत पसंद आती है। मम्मी मम्मी, मुझे ये वाली हील्स लेनी है, ये रेड वाली, देखिए ना कितनी सुंदर है। हाँ सुंदर तो है, मगर चिंकी बेटा ये तो पॉइंटेड हील्स हैं, इसमें चलना इजी नहीं होता और इन्हें पहनने से तो तुम्हारे पैरों में दर्द भी हो जाएगा। मगर चिंकी उन्हीं हील्स को लेने के लिए बहुत जिद करने लगती है और आखिर में मम्मी को चिंकी को वो हील्स दिलानी ही पड़ती है। चिंकी जैसे ही अपनी हील्स लेकर घर पहुंचती है, वो उसे पहन लेती है और चलने का ट्राई करने लगती है। वाओ चिंकी, मुझे तो लगता है कि तुम जल्दी ही इन हील्स में चलना सीख लोगी। हाँ गट्टू, देखो मैं कितनी अच्छे से चल रही हूँ, मम्मी तो यूं ही टेंशन ले रही थी। लेकिन तभी अचानक से चिंकी का पैर मुड़ जाता है और वो गिर जाती है। अरे चिंकी ध्यान से। मुझे तो लग गई। आवाज सुनकर मम्मी भी वहाँ आ जाती है और चिंकी से कहती है, चिंकी मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम गिर जाओगी, अब इन हील्स को निकाल कर रख दो वरना तुम्हें चोट लग जाएगी। नहीं मम्मी, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं तो बस धीमे से गिरी थी और मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी, मुझे इन हील्स में चलना सीखना ही है,
वो भी आज ही, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। फिर क्या था, चिंकी खूब देर तक हिल्स में चलने की प्रैक्टिस करती है और आखिर में वो सीख ही जाती है, लेकिन आखिर में वो थक कर बैठ जाती है। गट्टू चिंकी को ऐसे देखकर उससे पूछता है, अब क्या हुआ चिंकी, तुम अभी भी खुश नहीं लग रही? गट्टू मेरे पैर में तो बहुत पेन हो रहा है, मैं क्या करूं? शायद मम्मी ठीक कह रही थी। मम्मी किचन से चिंकी की सारी बात सुन लेती है। वो चिंकी के पास आती है और उससे कहती है, चिंकी मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था इन हील्स को तुम डेली नहीं पहन सकती, ये सिर्फ कभी कभी पहनने के लिए होती हैं। सॉरी मम्मी। चिंकी तुमने मार्केट में भी हील्स लेने के लिए जिद की, जब मैं तुमसे कह रही थी कि तुम्हें वेजेस हील्स चाहिए तब भी तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, और देखो आखिर में मेरी ही बात सही हुई ना। चिंकी को पता था कि उसने गलती की थी, इसलिए वो मम्मी से कुछ नहीं कहती। चिंकी बेटा मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, बल्कि समझा रही हूँ। और हाँ, अब हम कल ही जा रहे हैं, इन पॉइंटेड हील्स की जगह वेजेस हील्स लेकर आएंगे, ठीक है? ठीक है मम्मी। मम्मी उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? गट्टू बेटा होती तो दोनों ही सेम है, मगर वेजेस हील्स में चिंकी के पैर में बिल्कुल भी पेन नहीं होगा और वो आराम से चल भी पाएगी। ठीक है मम्मी, फिर हम वही वाली हील्स लेकर आएंगे। नेक्स्ट डे मम्मी और चिंकी मार्केट से जाकर चिंकी के लिए वेजेस हील्स ले आती है, और इस बार इन हील्स में चलने से चिंकी को दर्द भी नहीं हो रहा था। चिंकी अपने न्यू हील्स पहनकर अपने दोस्तों को भी दिखाने जाती है और सभी दोस्त उसकी खूब तारीफ करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।